अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हजरात, ये हमारी वीडियो पार्ट टू है जो कि आज फ़राइज़ नमाज के बारे में होगी। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जो कि शरायत नमाज के बारे में है, उसमें शरायत नमाज मुकम्मल तौर से बयान किए गए हैं। तो आप हजरात उस वीडियो को देखें और शरायत नमाज सीखें ताकि आप शरायत नमाज मुकम्मल तौर से अदा कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम फ़राइज़ नमाज आपके सामने पेश करेंगे। तो बाज़वानी शमशेर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि आज की हमारी गुफ्तगू फ़राइज़ नमाज है, यानी आज हम फ़राइज़ नमाज पर गुफ्तगू करेंगे कि वो कितने हैं और क्या क्या है। तो फ़राइज़ नमाज सात है: तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ादे अख़ीरा, खुरूज बिस्मिल्लाह। ये सात चीज़ें नमाज में फ़र्ज है, जिनका अदा करना फ़र्ज है, जिनके बगैर नमाज नहीं होती। तो पहला फ़र्ज तकबीर तहरीमा, यानी तकबीर तहरीमा से मतलब ये है कि वो तकबीर जिनके ज़रिए नमाज शुरू की जाती है, नमाज की वो पहली तकबीर जो पहली रकात में सबसे पहले अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधते हैं, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। और ये नमाज में फ़र्ज है, जिनके बगैर नमाज नहीं होती। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं क़ियाम। तो क़ियाम से मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना। खड़े होकर नमाज पढ़ने से मतलब यह है कि अगर किसी शख्स ने बगैर उज़्र शरई के बैठ के नमाज पढ़ी तो ऐसे शख्स की नमाज नहीं हुई, चाहे वो मर्द हो या औरत। खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है। हाँ, नफल की नफ नमाज जो है बैठ के पढ़ सकता है, जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं। जी। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा क़िरात। तो क़िरात से मतलब यह है कि फ़र्ज की पहली दो रकअतों में और सुन्नत और नफल की हर रकअतों में सूरह फातिहा के बाद कुरान शरीफ का पढ़ना फ़र्ज है, बड़ी एक आयत के मकदार या छोटी तीन आयतों के मकदार, जितना कुरान पढ़ना फ़र्ज है, इसको किरात कहते हैं। इसमें एक मसला आता है, जैसे अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है और तो जब किरात करेगा तो किरात में उसकी आवाज़ की मकदार कितनी होनी चाहिए, यानी कि वो कितनी आवाज निकाले। तो नमाजी अगर बहरा नहीं है और वहां पे शोरगुल ना हो रहा हो तो इतनी आवाज में किरत करना उस पर फर्ज है कि जितने में वो खुद सुन सके। जी। अगर इतनी आवाज में किरत नहीं किया जितने में वो खुद सुन सके तो ऐसे शख्स की नमाज नहीं होगी। तो अब किरात के बाद हमारा रुकू आता है, चौथे नंबर पे रुकू है। रुकू से मतलब यह है कि नमाजी इतना झुके कि उनके हाथ घुटने तक पहुंच जाए। और इसका बेहतर तरीका यह है कि अपने हाथों से मजबूती से घुटनों को पकड़ ले और सर और पीठ को इतना बराबर कर दे कि अगर पीठ के ऊपर पानी का गिलास रख दिया जाए तो गिरने का अंदेशा ना हो। इसे रुकू कहते हैं। अब रुकू के बाद पांचवें नंबर पर हमारा आता है सुजूद, यानी सजदा। तो अब सजदे से मतलब यह है कि पेशानी को जमीन पर जमाना, पेशानी का जमीन पर जमना इस अंदाज में कि दोनों पाओ की एक एक उंगली का पेट जमीन पे लगना फर्ज है। अगर किसी शख्स ने इस तरह नमाज अदा की कि उनके दोनों पाव जमीन से उठे रहे तो ऐसे शख्स की नमाज नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर किसी ने सिर्फ उंगलियों की नोक को जमीन पर लगाया तो ऐसे शख्स की नमाज भी नहीं होगी, जिनका दोहराना जो है वाजिब है। जी। तो ये हो गया हमारा सजदा जो पांचवें नंबर पे था। अब छठे नंबर पे है क़ादाए अख़ीरा। क़ादाए अख़ीरा से मतलब ये है कि नमाज की रकअतों को पूरी करने के बाद इतनी मकदार तक बैठना जितनी देर में
अत्तहियात जो है रसूलों तक पढ़ लिया जाए, इतनी देर तक बैठना ये फर्ज है, इसको कादाए अखीरा कहते हैं। अब हमारा आता है सातवां, सातवां फर्ज कहते हैं खुरूजे बिस्मिल्लाह। खुरूजे बिस्मिल्लाह से मतलब ये है कि कादाए अखीरा के बाद, खुरूजे बिस्मिल्लाह से मतलब ये है कि कादाए अखीरा के बाद नमाजी जो है अपने इरादे से नमाज को खत्म करे, यानी अपने इरादे से नमाज को खत्म करने का नाम खुरूजे बिस्मिल्लाही कहते हैं। यानी कादाए अखीरा के बाद कोई ऐसा अमल करे जिनके जरिए वो नमाज से बाहर आ जाए, और अगर किसी शख्स ने अस्सलामुअलैकुम के अलावा किसी दूसरे अल्फाज से नमाज से बाहर आए तो ऐसे शख्स की नमाज नहीं होगी। और बेहतर यह है कि अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद-ए-इब्राहिम जो है मुकम्मल पढ़ ले, फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़े। दुआए मासूरा याद ना हो तो कोई ऐसी दुआ जो कुरान और हदीस से मुशाबहत रखता हो, ऐसी दुआ पढ़कर जो है नमाज से बाहर आए। यह है नमाज का मुकम्मल तरीका, यानी नमाज के जो सात फराइज है जी। ये सातों फराइज हमने आपके सामने बयान कर दिए हैं। तो सात फराइज नमाज के अंदर है, तो हजरत आप फराइज नमाज को नोट कर लें और इनको याद करें, मुकम्मल तौर से इनको सही तरीके से अदा करें। और हजरत ये हमारी वीडियो पार्ट टू है, इससे पहले हमने पार्ट वन अपलोड कर दिए शायद नमाज के बारे में, आप हजरत उसको देखें ताकि शायद नमाज आपके सही हो सके। और इंशाल्लाह ताला इसके आगे जो हम वीडियो लाएंगे वो वीडियो बहुत ही अहम मसाइल के बारे में होंगी, नमाज के अहम मसाइल हैं उनके बारे में होगी, और वो मसाइल जिनके बारे में अक्सर लोग नावाकिफ होते हैं और उसमें गलतियां करते हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला हम वो मसाइल पेश करेंगे, और आपसे गुजारिश को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो शेयर करें ताकि हर इंसान नमाज का सही तरीका सीख सके, उसमें क्या फ़राइज हैं और क्या शराइत हैं और उसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे वो नावाकिफ है, तो वो उनको अच्छे तरीके से समझ सके और जान सके। तो हजरात मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक कुछ मसाइल के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।